नया नारा है 400 पार का। कहाँ से आएंगी सीटें? ये देखिए कि दक्षिण भारत में जहाँ 130 सीटें हैं, 29 पर बीजेपी रुक जाती है, और उसमें भी 25 सीटें पिछली बार आपने कर्नाटक से जीती थी, 4 आपने तेलंगाना से जीती थी, तो इस बार वहाँ कांग्रेस की सरकार है। कहाँ से ये आंकड़ा जुटेगा? देखिए, सबसे पहले तो हमारा पार्टी का विस्तार कैसे हुआ। पहले तो हमको मजाक उड़ाते थे, हमारा नॉर्थ ईस्ट से बीजेपी को एक एमपी नहीं मिलते थे, और मैं जब यूनिवर्सिटी से बीजेपी पार्टी में ज्वाइन किया, विद्यार्थी परिषद में थे, मैं बीजेपी ज्वाइन किया, लोग कहते थे पहाड़ों में तो कमल खिलेगा नहीं, आप अपना ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, लोग कहते थे, और कहते थे कि ये बीजेपी पार्टी है तो नॉर्थ इंडियन हिंदू पार्टी है, और पहाड़ों में नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का कोई फ्यूचर नहीं है, लोग कहते थे, मजाक उड़ाते थे। आज नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ बीजेपी ही है, वहाँ कांग्रेस को इस बार एक एमपी सीट मिलने वाला नहीं है। उसी प्रकार से दक्षिण भारत में भी इन्होंने, ये कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टी ने जो एक कैंपेन चलाया, प्रोपोगेंडा किया कि बीजेपी नॉर्थ इंडियन पार्टी है, हिंदी पार्टी, हिंदू पार्टी, काउबेल्ट पार्टी, इस तरह से मजाक उड़ाते थे। आज मोदी जी के नेतृत्व में दक्षिण भारत में बीजेपी का कितना बड़ा एक्सेप्शन उसका एक दिखाई दे रहा है, कितना बड़ा एक ताकत के रूप में उभर के आ रहे हैं। तो सीट ईस्ट इंडिया से भी आएंगे, साउथ इंडिया से भी आएंगे, और नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, वेस्ट इंडिया से तो आना ही है, तो 400 पार जरूर होगा। मोदी जी ने नारा लगाया, लेकिन वो नारा पब्लिक का नारा है। एक्चुअली पब्लिक ने जो कहा है, फिर एक बार मोदी सरकार, इस बार 400 पार, तो ये नारा पब्लिक ने लगाया, उसको मोदी जी ने कहा है जी। एक मुद्दा जो है वो सीएए का मुद्दा है, और सीए का मुद्दा मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट को बहुत अच्छा समझते हैं, असम के नज़रिए से, जहाँ 14 सीटें हैं, पिछली बार आपने 9 सीटें वहाँ जीती, वहाँ इस पर बड़ा आंदोलन चलता रहा लंबे समय से, असम अकॉर्ड हुआ, 1971 तय हुई डेट, सीए में वो आंकड़ा आ गया है 2014। ये कहा जा रहा है कि ये जो बांग्लादेश से लोग आते हैं, ये इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं, तो कैसे आप समझाएंगे इसको, इस मुद्दे को असम के लोगों के लिए? जब विभाजन हुआ भारत पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का पूर्वी भाग जो बांग्लादेश है, वहाँ से जो हिंदू है, बौद्ध है, क्रिश्चियन है, पारसी है, सिख है, वो लोग तो ज़्यादातर लोग इंडिया में वही आए हैं, और जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से ज़्यादातर हिंदू और सिख अफगानिस्तान से लोग आए हैं। अब इनको अगर भारत में जगह नहीं मिलेगा, आप बताइए दिवंग जी, कहाँ जगह मिलेगा दुनिया में? क्योंकि पहले तो हम एक ही देश थे, जो विभाजित हुआ तो जो वहाँ रह गए हिंदू या सिख, उनको वहाँ अच्छा से रहने का मौका मिलता तो वो नहीं आते, धार्मिक रूप से प्रार्थना उसको एक तरीके से वो भगाया गया है, उनको उसको प्रताड़ित करके उनको वहाँ से मजबूर किया गया है इंडिया आने के लिए। तो हमको इतना तो करना पड़ेगा। और नॉर्थ ईस्ट का जहाँ तक सवाल है, नॉर्थ ईस्ट में मुद्दा है वो असम के अंदर में, खास करके कुछ लोग का कहना है कि ये जो भी बाहर है उसको हम धार्मिक रूप से नहीं देखते हुए बाहरी लोगों को अंदर आने नहीं देना चाहिए, ये सोचने वाला एक ग्रुप है। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स है, जैसे मुस्लिम है, मुस्लिम का तो देश ही बना है पाकिस्तान बांग्लादेश, तो मुस्लिम तो छोड़ के इंडिया आने का कोई मतलब नहीं है। बाकी नॉर्थ ईस्ट के जो पहाड़ी राज्यों में तो इनको एक संरक्षण दिया गया है कि सीएए वहाँ लागू नहीं होगा। मेरे ख्याल से लगभग अब आसाम में भी मेजॉरिटी लोग मान गया है कि जो वहाँ माइनॉरिटी पाकिस्तान बांग्लादेश से जो आया है उसको एक्सेप्ट किया जाए, ऐसे ज़्यादातर लोग का ये मानना है। एक बड़ा मुद्दा है, और ये जानना चाहता हूँ मैं कि इस मुद्दे का नॉर्थ ईस्ट के चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, देश के चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, मुद्दा है मणिपुर का। आप कैसे देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि कुछ और किया जा सकता था वहाँ पर स्थिति को सुधारने? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि देश के बहुत से लोगों को मणिपुर के बारे में जानकारी ही नहीं है, और कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग जो हर दिन मणिपुर मणिपुर करके यहाँ बात करते रहते हैं, उनको मणिपुर का समझ ही नहीं है। मणिपुर के अंदर में देश में सबसे ज़्यादा मिलिटेंसी जो पैदा हुए हैं, जितने भी वहाँ मिलिटेंट ग्रुप
उत्पन्न हुआ है पिछले 75 सालों में, खैर अभी 10 साल से तो नया उत्पन्न नहीं हो रहे, जो भी हो रहे वो कांग्रेस का नेग्लिजेंस से पैदा हुआ। और ये कुकी और मेहते का जो क्लैश हुआ, मेहते जो है बेसिकली वो हिंदू मेजोरिटी है और कुकी जो है वो ईसाई क्रिश्चियन मेजोरिटी है, दोनों का बीच में जो संघर्ष हुआ उसको यह अलग अलग रूप देने लग गया है। अब ये जो मेहते और कुकी का संघर्ष आज पैदा नहीं हुए और आज कई जगह में लोग जा भी नहीं सकते हैं क्योंकि टोटली डिवाइडेड होकर बैठा हुआ है। ये एक नस्ल, एक संघर्ष है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसको अगर कोई चाहता है कि मणिपुर में शांति हो तो अपील करना चाहिए कुकी को भी, मेहते को भी, और जो भी हथियार उठाने वालों को खास करके, कि अब हथियार से वायलेंस से सॉल्यूशन नहीं होगा। मेहते भी अपना है, कुकी लोग भी अपना है, तो बातचीत करके शांति से एक साथ मिलके एक टेबल में आएंगे तो सॉल्यूशन निकलेगा। आखिर तो एक साथ ही रहना है। प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से इस बार का 2023 का जो प्रधानमंत्री का उद्बोधन हुआ है रेड फोर्ट लाल किला से, उसमें पहला अपील उन्होंने ये किया कि देश मणिपुर के लोगों के साथ है और मणिपुर में शांति कायम होना चाहिए और दोनों समुदाय एक साथ बातचीत करके शांति से जो भी समस्या है सुलझाना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी और पूरा सरकार मणिपुर के लोगों के साथ खड़ा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।